अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ पैन पिज़्ज़ा, वो भी अपने स्टाइल से। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा डो लेके उसको बेल लिया थोड़ा सा, और उसको मैं फोक की मदद से ऐसे कर रही हूँ ताकि जो पिज़्ज़ा जो है वो अच्छी तरह कुक हो सके। यहाँ मैंने नॉन स्टिक पैन ले लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप नॉर्मल पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल नीचे लगा के तो पिज्जे की डो को उसके अंदर रख दें। पिज़्ज़े पकाने का प्रोसीजर तो वही है जो आपने पहले भी देखा वीडियोस में, लेकिन सिर्फ पैन पिज़्ज़ा है। इसमें पैन में थोड़ा सा बनाना है, और कितनी इसकी आंच रखनी चाहिए, बिल्कुल लो आंच पे पकेगा ये। और थोड़ी सी आप देख सकते हो नीचे से इसको ज़्यादा पक ना जाए, और ये स्टीम पे पकेगा और बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा बनता है। ये भी पैन पिज़्ज़ा, इसमें कोई मसला नहीं है कि आपके पास ओवन नहीं है, है नहीं है। आप लोग चूल्हे पे भी आराम से बेकिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ जी मैंने इसके अंदर लगा दिया टमाटर सॉस से। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर क्रश रेड चिली, मोजरेला चीज, शिमला मिर्च, पपरिका, प्याज यानी ऑनियन, आप कुछ भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। मैं डाल रही हूँ यहाँ पे माइस, मकई के दाने, ये बॉयल हुए हुए हैं जो आपको कैन में मिलते हैं, मैंने वो यूज़ किए हुए हैं। पिज़्ज़े की तैयारी में आप इसके ऊपर जो मर्जी लगा के इसको बेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो मर्जी सब्जी आपको पसंद है, ऑलिव, थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ये जो है वो सलामी जो है वो डाल रही हूँ, मतलब ये गोश्त के पीस होते हैं बने बनाए मिलते हैं, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट पसंद है इसलिए मैं ये अपनी मर्जी से ऊपर डाल रही हूँ। आपके लिए ये ऑप्शनल है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैं मोज़रेला चीज़ डाल लूँगी ऊपर, ओरिगानो डाल लूंगी, और अब इसको मैं किसी कवर कैप से कवर कर दूंगी। ये मेरे पास कैप था, इसके मैंने कवर कर दिया, पर इसके अंदर ये थोड़ा छोटा सा सुराख था, तो सुराख को कवर करने के लिए मैंने मूलियम पेपर लेके उसको छोटा सा उसके सा पतला सा ना स्टिक सी बना के वो मैंने इसके अंदर रख दूंगी, ताकि जो है ना वो स्टीम अच्छी तरह पिज़्ज़े को मिले और पिज़्ज़ा ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी तरह पक सके। इसको मैं 20 मिनट के लिए रख दूंगी और इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ था, और मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त था, नीचे से बहुत क्रिस्पी था, अच्छी तरह पक चुका था। आप लोग भी ट्राई करेगा। अल्लाह हाफिज़।